एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्लियर एबेकस और प्लेस वैल्यू के बारे में जानने वाले हैं। हाउ टू क्लियर एबेकस देखने से पहले हम एबेकस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये जो आपका आउटसाइड में दिख रहा है इसे बोलते हैं आउटर फ्रेम। ये जो सेंटर में एक बार दिख रहा है उसे बोलते हैं सेंटर बार। और सेंटर बार के ऊपर आपको व्हाइट डॉट्स दिख रहे होंगे, इसे बोलते हैं व्हाइट डॉट्स। और ये सेंटर में जो आता है उसे बोलते हैं सेंटर व्हाइट डॉट। हमारे एबेकस की कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी देखते हैं रॉड के बारे में। ये जो रॉड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। ऐसे सारे यहाँ पे रॉड दिख रहे होंगे आपको। ये सारे मिला के 17 रॉड होते हैं। तो इस एबेकस को हम 17 रॉड का एबेकस बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको बीड्स दिख रहे होंगे, वो इजीली मूव होते हैं रॉड के ऊपर। देखते हैं हाउ टू क्लियर एबेकस। तो इसमें सबसे पहले देखिए एबेकस के ऊपर ऐसे बीड्स बिखरे होते हैं। जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो इसको क्लियर करना जरूरी होता है। देखिए कैसे करते हैं। एबेकस को ऐसे ऊपर उठाना है, हल्के से टैप करना है। टैप करने के बाद ये सारे बीड्स जो है वो नीचे जाते हैं, पर ये जो सेंटर बार के ऊपर वाले बीड्स हैं वो सेंटर बार को टच किए हुए हैं। इनको भी ऐसे क्लियर करना जरूरी होता है। मतलब क्या करना है, ऐसे पेंसिल को होल्ड करके रखना है, इंडेक्स फिंगर और हमारा थंब फिंगर के हेल्प से ऐसे एबेकस को क्लियर करना है। तो ये सारे बीड्स ऊपर चले गए। सेंटर बार को कोई भी बीड्स टच होना नहीं चाहिए जब हम क्लियर करते हैं तब, क्योंकि अभी इसको क्लियर करना क्यों जरूरी है देखिए, क्योंकि अगर एक भी बीड्स हमारा ऐसा टच हुआ हो, ऐसा कोई भी, तो इस पूरे एबेकस की एक वैल्यू होती है तैयार, तो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी होता है। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए ऐसे बिखरे होते हैं हमारे एबेकस के ऊपर बीड्स। तो सबसे पहले टैप करना चाहिए, ये सारे बीड्स नीचे गए और अपर बीड्स जो है वो इस सेंटर बार को टच हुए हैं। तो इनको क्लियर करने के लिए पेंसिल को ऐसे होल्ड करना है और ये इंडेक्स फिंगर और ये थंब फिंगर की हेल्प से इसको ऐसे क्लियर करना है। अभी हम देखेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। जो हमारी कैलकुलेशन है वो सेंटर व्हाइट डॉट से शुरू होती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी प्लेस वैल्यू होगी वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर से एक बार देखते हैं। वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस भी से बोलते हैं, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। थैंक यू।